हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आजकल मैं उठते में नहा लेती हूँ, क्योंकि नहा लेती हूँ तो लगता है एक काम हो चुका है। ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना सब बाकी है, क्योंकि मैं आज थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी तो नया नहा लिया है तो बैठती हूँ उन्हीं करके, थोड़ा टाइम पास भी नहीं हो रहा था। तो बाहर प्लांट से उनको पानी पिला देती हूँ। दीदी मामा याची बब्बी आयशु आयशु भाभी मैं थोड़ी भाभी अम्मा झुक के नीचे से निकल गई कैमरे के नीचे से। मौसी आज हिम्मी के मुंह से नया वर्ड सुना, मासी। बाकी वो उसकी मासी को सी सी करती है, साशी। आशु अप्पू खानी हिमायरा इसके चाचू जैसे ही नहा के आए डरना चालू हो गया है इसका। डरना क्या, शर्माना चालू हो गया है तो अब ये उतर नहीं रही है। आप पकलोगे पकलोगे आप? ओ हिमी ने नहाई नहीं खोली शुगलू छुगलू। तो सुबह सुबह इसकी मस्ती चालू है और अभी मस्तियों के साथ हमारे साथ मस्ती कर रही है। लंच तो हमारा आज बन चुका है, क्योंकि मुझे जाना था बाहर तो मैंने जल्दी से लंच बना दिया। अभी बज रही है 12:30, तो यानी लंच करना बाकी है। पर मेरा स्किन केयर बाकी था तो मैं स्किन केयर कर रही थी, पर मुझे जाना है बाहर सो सनस्क्रीन लगा देती हूँ, क्योंकि स्किन केयर की 5 मिनट हो चुके हैं तो सनस्क्रीन लगा देती हूँ, जो कि है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है सनस्क्रीन ये। क्योंकि जब तक मैं मेरा लंच वगैरह करूँगी और थोड़ा बहुत जो भी मेरा काम है वो निपटाऊंगी, तब तक ये सनस्क्रीन है वो एक्टिवेट हो जाएगी अच्छे से। तो सनस्क्रीन तो लग चुकी है, अब बिंदी और मांग भर देती हूँ और कपड़े चेंज करने हैं, पर खाना खा के फिर करूँगी। तो चिकू को एक बार फ़ोन कर देती हूँ, वो जैसे ही आते हैं फिर चलते हैं। चिकू और ये लोग तो शॉप पे है कस्टमर, सो खाने के लिए नहीं आ सकते हैं, बट अभी मैं खाना खा रही हूँ, मेरा खाना भर रही। तो ये है आज का खाना, तो खाना कर लेती हूँ कंप्लीट और फिर मुझे जाना है डूंगरपुर। चिकू नहीं आने वाले मेरे साथ, मुझे क्या मेरा लहंगा स्टिच कराने के लिए जाना है और मैं जो उस दिन सारा मेरे लहंगे का मटेरियल लाई हूँ वो भी मुझे देना है। सो डूंगरपुर से चूड़ियाँ वगैरह सब खरीदनी है। मेरी मेन जो शॉपिंग है वो तो बाकी है, सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग हुई है और शादी के दिन का वाला लहंगा बनवाना है अभी तक। तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ और फिर चलती हूँ। तो खाना खा लिया, एक बार शॉप पे आ गए क्लाइंट तो मैं अटेंड करके आती हूँ और थोड़ी देर में फिर निकलूँगी मैं। तो चिकू अभी खाना खाने के लिए आए तो लगे हाथ मुझे छोड़ ही देंगे। बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ गर्मी है। आ गई हूँ फिर से घर पे, क्योंकि क्लाइंट आए थे तो जल्दी से जल्दी मैंने अटेंड कर लिया और अब मम्मी को बोलती हूँ, क्योंकि मम्मी भी आ रहे हैं साथ में, तो मम्मी को बोलती हूँ जल्दी से रेडी हो जाए और याची भाभी हिमायरा हम सब जने जा रहे हैं। हिमी अपन कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? नानी होम। नानी होम आज तो मासी कहती होगी ये पूरा। हाँ मासी बोल रही है। आज मासी बोल रही है? आज बोल रही है मासी। लो पकड़ लो इसको। हाँ नहीं जा रही हूँ तेरे को छोड़ के। ओके ओके। ओहो गॉगल्स पहन लिए, सही कलर टेढ़े हो गए। तो अभी फाइनली आ गए हैं जग्गू भैया और अब हम निकलेंगे, है ना? ओह माँ पकड़ो
वो पकड़ी नहीं तो पर यहाँ पे बैठा तुम भाभी ये कुशन कुशन निकाल बेचो आ रही है दादी आ रही है दादी पीपी आ रहे मम्मी खेरवाड़ा खेरवाड़ा मम्मी खेरवाड़ा स्टॉप है मी वाओ हे हाय कर दो हाय कर हाय तेल पक गया ओके ओके तो मम्मी को तो उतार दिया है मामा के घर पे और हम अब खेरवाड़ा से जा रहे हैं डूंगरपुर हिम्मी के नानी के घर पे मामा मामी मामी माशी आशिप 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 कौन है हिम्मी अपन कहाँ है हिम्मी कहाँ है मैंने कहाँ पे है माशी होम करी दिया करने ओ बाप रे ऐसे तो क्या बोलो आपके लिए इतना खर्चा कर रहे हम आ गए हैं डूंगरपुर और डूंगरपुर मेरे लहंगे का काम मैंने दे दिया है और अभी हम जा रहे हैं मेरे चूड़ियों की शॉपिंग करने के लिए भाभी भी आ गई है तो भाभी करवाएगी अब शॉपिंग चलो भाभी आप दिलाओगे हाँ चलो चूड़ियों की शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है ये सारी चूड़ियाँ अभी खरीदी हैं मम्मी के लिए भी देख रही हूँ क्योंकि मम्मी के लहंगे का कलर प्रॉपर पता नहीं है अभी देखते हैं कौन सा समझ में आता है बाकी लगभग तो हो गई है चूड़ियों की शॉपिंग और भाभी भी साथ साथ में परेशान हो रहे हैं ओके बाय वाह चलो भाभी को बाय बोल दिया है चूड़ियों की शॉपिंग हो गई है अब हिमायरा को पिक करके अपन निकलते हैं ओके बाय 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 तो अभी हम लोग निकल चुके हैं डूंगरपुर से हिम्मी ने नाना के घर से बाय बाय कर दिया है क्योंकि हिम्मी नींद से उठी है इसलिए कुछ भी बोल नहीं रही है तो अब सीधा मम्मी को लेके खेरवाड़ा से फिर चलेंगे सीधा ऋषभदेव बिजू हड़ते मम्मी पापड़ डालो पापड़ हाँ तो हम निकल चुके हैं खेरवाड़ा से और हिमायरा भी हमारे उठ चुकी है अभी चिकू और पापा के लिए हमको होटल से खाना लेके जाना है क्योंकि हम सब लेडीज पार्टी ने तो खाना खा लिया है पापा याद आ गए इसको पापा हाँ अभी तो पापा तो अभी होटल से हम खाना लेते हुए जाएंगे चिकू और पापा के लिए तो होटल जाके सीधा अब फिर घर पे कितना हुआ सासी आ गई खाना ले लिया होटल से अब सीधा ऋषभदेव जा रहे हैं हम और खाना ले आए हैं चलिए खा लीजिए किस किस का खाना पापा मेरा और तुम्हारा मम्मी का तो हम तो खा के आए तो बोल तो दिया था खा के आए अच्छा ओके तो आज मेरा सुबह से प्लान था कि मेरा लहंगा मैं बनवाने जाऊं और फिर शॉप पे कस्टमर आ गए थे तो कस्टमर को अटेंड करके फिर गई और मेरा लहंगे का काम अब स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मैं मटेरियल पूरा कंप्लीट लेके गई थी चूड़ियाँ भी लानी बाकी थी तो आज आ गई चूड़ियाँ ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है और मैं खाना लाई थी तो चिकू और इन लोगों ने खा भी लिया है और अब कर देती मैं यहीं पर ब्लॉग का एंड और अब शादी की तैयारी लगभग मेरे हो चुके हैं मुझे लग रहा है सिर्फ एक लहंगा बाकी है जिसका काम कल से स्टार्ट हो जाएगा तो अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में ओके बाय